नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर। आज हम लोगों के बीच में जाएंगे और जानेंगे कि क्या लोग इंटरकास्ट मैरिज के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इंटरकास्ट मैरिज करना सही है, क्या गलत है, पेरेंट्स की क्या राय है। इन सभी बातों पर आज हम पब्लिक से बात करेंगे और पब्लिक ओपिनियन जानेंगे। पहले आप समझिए इंटरकास्ट मैरिज क्या होता है। आप सभी को जैसे कि पता ही होगा कि हिंदू धर्म को चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सपोज एक लड़का है, वो ब्राह्मण है और उसे दूसरी जाति की लड़की से प्यार हो जाता है। जब वो इस बात को अपने पेरेंट्स को बताता है तो उसके पेरेंट्स इसे मना कर देते हैं, या उसके अपने रिलेटिव को बताते हैं, रिलेटिव मना कर देते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? पेरेंट्स या रिलेटिव या उसके दोस्त इस बारे में क्या सोचते हैं? इन सभी बातों को आज हम जानेंगे और लोगों से बात करेंगे। लव मैरिज ठीक है या फिर कोर्ट मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? देखो, मेरे हिसाब से तो लव मैरिज होना चाहिए, क्योंकि मेरी खुद की लव मैरिज हो रखी है। तो आपने क्या वो सक्सेसफुल है, मतलब हो गया लव मैरिज? ऑफ कोर्स हाँ, क्योंकि एक साल के ऊपर हो गया मेरी शादी को, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और किस उम्र में आपने शादी की थी? मैंने लास्ट ईयर शादी की थी, तब मैं मतलब अब 30 का हूँ, तो 29 का था। 29 में क्या आपके पेरेंट्स, जो पेरेंट्स मतलब नॉर्मली जो लोग होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, वो कोर्ट मैरिज को सपोर्ट नहीं करते हैं? तो आपके पेरेंट्स ने क्या कोर्ट मैरिज को सपोर्ट किया? देखो, मेरे पेरेंट्स इतने फ्रैंक है कि एज ए फ्रेंड है मेरे। उनको एक बार बोला कि शादी करनी है, उन्होंने बोला तू खुश है, लड़की ठीक है। आजकल जो समाज में है, आप किस लड़की से प्यार करते हैं, वो लड़की किसी और अदर कास्ट की है। और जब हम उस बात को अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो पेरेंट्स वाले मना कर देते हैं कास्ट को लेकर। तो क्या कास्ट को लेकर भी कुछ होना चाहिए क्या? दूसरे कास्ट में जो शादी करते हैं वो ठीक है? भाई साहब, कास्ट ही एक, ये लोगों की अपनी मेंटालिटी इंडिया की ऐसी है, एक कास्ट के चक्कर में ही ये लोग अभी तक फंसे हुए हैं। जब तक ये लोग कास्ट के चक्कर से नहीं निकलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। जिस दिन ये कास्ट का चक्कर निकल गया ना, तो सिर्फ दो चीज़ रह जाएगी, या तो होगा मिडल या फिर होगा अपर, दो चीज़। ये लोअर लोअर का सब मैटर ही खत्म हो जाएगा। जब तक अपने इंडियन की मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, तब तक नथिंग वी कैन चेंज आओ। क्या इंटरकास्ट मैरिज के बारे में क्या सोचते हैं? इंटरकास्ट हो या इंटर रिलीजन हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। हिंदू मुस्लिम शादी को भी आप सपोर्ट करते हैं? नहीं नहीं, जरूर जरूर सपोर्ट करता हूँ। इसमें कौन सा है यार, ऊपर वाला तो एक ही है, ये हमने बना के रखे है यार। आप इंटरकास्ट मैरिज के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे कि इंटरकास्ट, आप हिंदू हैं, दूसरे हिंदू में दूसरे कास्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी में उलझे रहेंगे तो तरक्की कब करेगा देश। इंटरकास्ट मैरिज आप सपोर्ट करते हैं? इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, होनी चाहिए। मेरे खुद मैरिज है। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। कानून के हिसाब से लड़की की 18 होनी चाहिए और लड़के की 21, ठीक है? क्या ये उम्र सही है शादी करने के लिए? हाँ हाँ, ठीक है, बढ़िया है। वैसे तो देखा जाए तो हमारे बाहर के देश में जितने भी होते वो तो ये एज वगैरह का तो चक्कर ही नहीं होता। 18 साल का हो गया, चलो भाई अपनी लाइफ जियो। वहाँ भी तो, यहाँ भी ऐसा होना चाहिए? यहाँ पे नहीं ना, यहाँ पे तो घर वाले ही अपना सारा उनका उठा के चलते, सारा कर्जा कुर्जा सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरेंज मैरिज ठीक है या फिर कोर्ट मैरिज? हमारी तो हुई नहीं अभी तक, वैसे तो कोर्ट मैरिज करने की सोच रहा हूँ मैं, अगर हो जाए तो। कोर्ट मैरिज अच्छी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो सक्सेसफुल होनी चाहिए, अच्छी है। अगर आपको शादी करनी है तो क्या आप अरेंज मैरिज करेंगे या फिर लव मैरिज? मैं तो लव मैरिज करने की सोच रहा हूँ। सर, आप कोर्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं यानी लव मैरिज को या फिर अरेंज मैरिज? लव मैरिज को। लव मैरिज को, ऐसा क्यों? इसके पीछे है कि सब जो भी जिस उम्र में आ जाता है उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मन पसंदीदा अपनी पार्टनर को चुन सके, क्योंकि एक उम्र तक, जब हम बात करते हैं 18 साल की उम्र की, उस समय हम वोट देने का, मतलब शादी की बात कर रहे हैं और 21 साल में हम ये वोट की, तो ये 18 साल में सबको इतनी बुद्धि आ जाती है कि वो अपने मन पसंद, मतलब मैच्योर हो जाते हैं लड़के और लड़कियाँ की शादी कर सकें। हाँ, ये मैच्योर हो जाते हैं और उनको अपनी क्या बुरा है और क्या गलत है उनको सही गलत का। इंटरकास्ट मैरिज के बारे में आप क्या सोचते हैं? इंटरकास्ट समझते हैं आप? इंटरकास्ट मैरिज के बारे में क्या सोचते हैं? इंटरकास्ट मैरिज एक बहुत ही अच्छा जरिया है कास्टिज्म को ख़त्म करने का, तो मैं मानता हूं कि इंटरकास्ट मैरिज एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसको बढ़ावा देना चाहिए, जैसा कि सरकार भी अलग अलग राज्यों में बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट करती है, उनको मौजा भी देती है तो ये बहुत ही इसको बढ़ावा देना चाहिए। एक्चुअल एज क्या होनी चाहिए? एक्चुअल एज जो डिसाइड की है 18-21, वो ठीक भी है कुछ हद तक, क्योंकि 18 से या 21 से जब छोटा बच्चा हो तो उसकी सोच वैसी तो होती नहीं है, थोड़ी मैच्योरिटी लेवल भी होना चाहिए। तो जो भी डिसाइड किया है बिल्कुल ठीक डिसाइड किया है। आपको लगता है कि लड़की 18 की हो गई या लड़का 21 का होगा, चलो भाई शादी कर लिए, वो इतना मैच्योर हो गए कि वो अपनी जिंदगी को जी सके? नहीं नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। वो तो कोर्ट का ऑर्डर है ना कि उससे पहले उसको परेशान नहीं कर सकता कोई,
बट शादी तब करनी चाहिए जब खुद का मैच्योरिटी लेवल हो, वो बंदे का खुद का डिसीजन होना चाहिए, वो चाहे 31 हो, चाहे 28 हो, या 25 हो। इंडिया में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर बहुत, मतलब एक तो इंटर रीजन शादी हो गई, इंटरकास्ट हो गया, हिंदू मुस्लिम शादी कर लेते, कई बार प्यार हो जाता है उनको, शादी कर लेते हैं, लेकिन लोग मतलब जिहाद जैसे मामले आते हैं आपके सामने, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस चीज़ के बारे में इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं, अलग अलग सोच है। आपके हिसाब से हिंदू मुस्लिम शादी जो करते हैं ठीक है या गलत है? मेरे हिसाब से गलत है, गलत है। तो आप मतलब मैरिज को फिर सपोर्ट नहीं करते? किसको? लव मैरिज। नहीं, लव मैरिज को सपोर्ट करता हूँ मैं, मतलब अदर कास्ट में प्यार होगा तो फिर आप उसको फिर, बट ऐसा भी कोई प्यार नहीं होता कि जो कुछ अलग ही कास्ट में प्यार हो गया, वैसा मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। आगे लोगों की खुद की सपोर्ट है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ।